अमाउंट जो वैल्यू मैं मांग रहा हूँ गाने का, मेरा गाने का जितना दाम है अगर तुम मुझे उतना दे पा रहे हो, इफ यू आर पेइंग मी दैट काइंड ऑफ अमाउंट। एंड सोचता हूँ मैं बैठ के कभी कभी वो चीज़ की भाई एक टाइम था ये चीज़ है कि लेने के लिए कितनी बड़ी बात होती थी ना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बा ने मुझे हमेशा से महंगी चीज़ें पहनाई है, महंगी चीज़ें दिलाई है, चाहे जितना भी वो अफोर्ड कर पाते थे। लेकिन मेरे म्यूजिक से लोग इतना ऑफेंड हुए नहीं है जितना मैंने नोटिस किया, क्योंकि मैं इतना अश्लीलता को प्रमोट नहीं करता हूँ। इंशाल्लाह अगर फ्यूचर में बॉलीवुड मूवी में अगर एक्टिंग करने का जोन कभी होगा तो मैं Hello everyone, this is Aina and welcome to Instant Bollywood. I'm with someone amazing kalakar and super hardworking Emiway Bantai. Welcome. Hello, hello, hello. Hello, how are you? Alhamdulillah, I'm good. Thank you. How are you? I am doing great. जैसे मैंने मेरे इंट्रोडक्शन में बोला था कि आप one of the greatest rappers in the country है. You are someone who's got the hip hop culture to India क्योंकि इतना नहीं था यहाँ पे. अब जाके यू नो वी आर गेटिंग मोर एक्सपोज टू थिंग्स। कहीं ना कहीं वो डर लगता है क्योंकि नया टैलेंट रोज आता है, सबके पास आज प्लेटफॉर्म है तो कंपटीशन वो बात में बहुत बढ़ रही है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट? डर नहीं लगता है मुझे, बिल्कुल भी डर नहीं लगता क्योंकि मैं जो म्यूजिक बनाता हूँ और जो मैं चीज़ें करता हूँ आई नो लाइक यू नो मैं खुद से कम्पीट कर रहा हूँ। ये हर एक गाना रिलीज के बाद मैं खुद से कम्पिटिशन करता हूँ कि भाई इससे नेक्स्ट गाना और हार्ड होना चाहिए। सो कहीं ना कहीं ये मेरे खुद से एक लड़ाई है और वो ये बोलूँगा कि लाइक यू नो अंदर कॉन्फिडेंस डे वन से रखा हूँ मैं और आज भी हर एक आर्टिस्ट को रखना चाहिए। मैं सभी को यही बोलूँगा कि भाई कॉन्फिडेंट रहो, अगर तुम हार्ड हो तो हार्ड हो। तो इस हिसाब से आई एम कॉन्फिडेंट और मेरे को मालूम है एमए बनटाई का जगह इंशाल्लाह कोई नहीं लेगा। और आप यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड सिक्योर्ड अबाउट इंशाल्लाह यार। आपने पहली बार अपना गाना एक लेबल को दिया है, हाउ डिड यू नो मैनेज टू टेक दिस डिसीजन और क्या दिमाग में आया? क्योंकि आपको ऑर्गेनिकली ही इतना प्यार मिलता है, अभी भी मिलता है एंड इट विल कंटिन्यू, सो व्हाट मेड यू टेक दैट डिसीजन? तो मैंने पहले से बताया कि गाना बेचना इज नॉट एन इशू। अगर राइट अमाउंट जो वैल्यू मैं मांग रहा हूँ गाने का, मेरा गाने का जितना दाम है अगर तुम मुझे उतना दे पा रहे हो, इफ यू आर पेइंग मी दैट काइंड ऑफ अमाउंट एंड काम करने का स्ट्रक्चर सही है, तरीके सही है, पीपल आर गुड, एनवायरनमेंट सही है, सब कुछ सही है, एक साथ सही है तो फिर क्यों नहीं, है ना? तो यस तो मार्केट में जो भी खरीद सकता है बंटाई के गाने को तो यू आर मोस्ट वेलकम। पैसे लेके आओ एंड विद अ गुड एनर्जी, गुड वाइब्स यू नो एंड आर्टिस्ट की डिमांड होनी पूरी चाहिए, उसके लिए लड़ाई फ्रॉम डे वन एंड बीइंग एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट में से हर जगह यही बताया कि लेकिन सभी आर्टिस्टों के लिए मैं लड़ रहा होता कि भाई जो भी म्यूजिक हम बेचें हमारे दाम पे बेचें, हमारा वैल्यू रहे और इंडिया में ये चीज मिसिंग है और अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टार्ट हो चुका है एंड ये बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह। यू नो आप इतने सक्सेसफुल हो, दैट्स व्हाई अगर आप जो दाम मांग रहे हो आज लोग देने के लिए तैयार हैं बिकॉज़ इतना प्यार मिलता है आपको। कभी ऐसा हुआ है नाउ व्हेन यू लुक बैक एट योर जर्नी एक चीज ऐसी थी जो आपको इतनी महंगी लगती थी पर आप आज इतने बल्क में वो चीज खरीद सकते हैं? बहुत सारी चीजें ऐसी मैं कभी-कभी यू नो मैं जब भी नमाज पढ़ता हूँ, जब भी मैं दुआ करता हूँ अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं इस बात के लिए कि नो इतना कुछ दे दिया, इतना ब्लेसिंग, इतना ब्लेस फील करता हूँ कि नो सोचता हूँ मैं बैठ के कभी कभी वो चीज़ की भाई एक टाइम था ये चीज़ है कि लेने के लिए कितनी बड़ी बात होती थी ना। आज वो सब कुछ भी नहीं लगता है। तो वही है, मेरे को लगता है कि ये एक इंसान को भूलना नहीं चाहिए ना, इंसान को भूलना नहीं चाहिए कि भाई आप कितने भी बड़े हो जाए शुक्रिया अदा करते रहो, शुक्रिया अदा करते रहो क्योंकि मालिक बहुत बड़ा है, रब बहुत बड़ा है और उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहन में वो रहती है और आज भी वो सोच के अच्छा लगता है। तो मेरे लिए भी एक बेसिक सा तुम चाहे क्यों ना तुम टी शर्ट ले लो, चाहे बेसिक सा टी शर्ट ले लो फ्रॉम H&M या ज़ारा, वो भी एक बेसिक सा टी शर्ट फ्रॉम एरिया के लड़के लोग के लिए बहुत बिग डील हुआ करता था उस टाइम पे ना। अरे भाई तुम ज़ारा की टी शर्ट पहन रहे या फिर इसका ये पहन रहे या फिर छोटी से छोटी चीज़ें तुम अगर 2000 या 1000 रुपए की चीज़ें भी अगर इंसान लेके उस टाइम पे ये कर रहा है। बट एट द सेम टाइम आई वाज ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बा ने मुझे हमेशा से महंगी चीज़ें पहनाई है, महंगी चीज़ें दिलाई है, चाहे जितना भी वो अफोर्ड कर पाते थे उन्होंने मुझे हमेशा से एक महंगा लाइफ ही दी है। भले से घर पे सिचुएशन कैसे भी रहे बट उन्होंने हमेशा से किसी चीज़ का कमी नहीं होने दिया। बट खुद की कमाई से बोलने जाए तो यस चीज़ें लगती थी कि हाँ महंगी लगती थी, आज सोचते भी नहीं, आज यू नो सोचे बिना हम कार्ड स्वाइप मार रहे, सोचे बिना खर्चे कर रहे, पता भी नहीं पैसे कितना कट गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि आई हैव टू स्टे हम्बल, आई हैव टू स्टे ग्राउंडेड क्योंकि इतना सक्सेस पाने के बाद एक इंसान के लिए हो जाता है कभी कभी लाइक टू मच, इट इज़ वेरी ओवरवेलमिंग, इट इज़ वेरी नेचुरल। करेक्ट। कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे खुद को याद दिलाना पड़ता है दैट आई हैव टू बी ग्राउंडेड, आई हैव टू नेवर टेक इवन 1 सेकेंड फॉर ग्रांटेड कि भारी पड़ जाए बाद में। करेक्ट. सो ये चीज़ के लिए मैं आई प्रे एवरीडे 5 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह. 5 टाइम का नमाज होता है तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे ग्राउंडेड रखता है. मुझे याद रहता है कि यू नो 5 टाइम आई एम टॉकिंग टू द क्रिएटर, यू नो ऑलमाइटी से मेरी 5 वक्त बात हो रही है. तो कहीं ना कहीं वो खौफ अंदर होता है कि भाई ये गुरूर लेके उनके पास नहीं जाना है. तो हर बार आई गो टू हिम, आई प्रे, जब भी मैं दुआ करता हूँ मैं बस यही बोलता हूँ मुझे ग्राउंडेड रखे, यू नो जस्ट ब्लेस मी ऑलमाइटी, इसी तरह अंदर गुरूर ना आने दे. तो ऑटोमेटिक जब इंसान, मेरे को लगता है हर किसी को ये एडवाइस दूंगा, इफ यू प्रे 5 टाइम्स अ डे, चाहे आप यू नो जस्ट प्रे टू योर क्रिएटर 5 टाइम्स, वक्त निकालो, देखो कोई बीटी नहीं रहेगी, ना कभी इंसान परेशान रहेगा और ना कभी गुरूर आएगा. आप हमेशा हम्बल रहोगे, यू विल बी डाउन टू अर्थ एट द सेम टाइम. या यू हैव डन कुडी विद अ गर्ल. जब भी कोई एक्टर से भी मैं बात करती हूँ वो कहते हैं कि हाँ, जब मैं किसी को जानता नहीं हूँ या केमिस्ट्री बनानी पड़ती है मुझे वीडियोस में या शूट्स में या कोई भी फिल्म में, तो आइस ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है. हाउ डू यू ब्रेक योर आइस ताकि यू कैन गेट द बेस्ट केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन? सोलिना, शी इज़ अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस एंड वेरी सुपर टैलेंटेड. सोलिना के साथ मैंने ऑलरेडी सुपर सुपर डुपर हेड दी है मेरे लाइफ के. फिर से मचाएंगे 600 मिलियन ऑर्गेनिकली एंड खत्म हुए वादे किया है नाउ कुडी. तो हमेशा से वी हैव शॉट टुगेदर, वी हैव दैट बॉन्ड, लाइक यू नो शी इज सुपर टैलेंटेड. उनको बोलने की जरूरत भी नहीं है, उनके साथ काम कर रहा है, इज लाइक ऑटोमेटिक वाइब में आ जाते हैं हम लोग एंड वी शूट इट. तो उसमें कोई एफर्ट्स नहीं लगता. Yeah, बहुत ही natural. It's very natural. Yeah, काफी natural है दोनों के बीच में vibe. You know the kind of lyrics sometimes that come out, people do tend to get offended. क्या अभी जब आप गाने लिखते हो आप वो ध्यान में रखते हो कि मुझे किसी को offend नहीं करना? लेकिन मेरे म्यूजिक से लोग इतना offend हुए नहीं है जितना मैंने notice किया, क्योंकि मैं इतना अश्लीलता को promote नहीं करता हूँ. Unless and until वो beef की बात हो जाए तो वो बात अलग है, वहाँ पे गाली गलौज बीफ का एक हिस्सा है जहाँ पे हो जाता है, बट अभी मैं उसको भी कंट्रोल में रखा हूँ. बट ऑफेंड तो नहीं होते लोग, लोगों को पसंद आता है जैसा मैं लड़कियों की तारीफ करता हूँ या फिर ना या फिर कुड़ी के बारे में एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो दे गेट हैप्पी. आर यू एवर लाइक वरीड कि जो चीज शायद मुझे नहीं ऑफेंसिव लगी वो शायद कोई तीसरे इंसान को, वो ऐसी चीज हो जाती है? सोच समझ के लिखना पड़ता है, बिल्कुल. एज अ लिरिसिस्ट, एज अ रैपर, सोच समझ के लिखना एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मैं सोचूंगा समझूंगा नहीं तो फिर ऑडियंस, यंग बच्चे सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं ना, तो लिरिक्स लिखते वक्त बहुत सोच समझ के लिखना पड़ता है कि कहीं ये ऐसा ना हो जाए, लोग ऐसा ना. आप रिसेंटली वीकेंड के वार पे आए थे बिग बॉस में, इट वाज रियली रिफ्रेशिंग टू सी सच अ पॉपुलर नेम. आपने कहा है बार बार कि आप एज अ कंटेस्टेंट कभी ज्वाइन नहीं करोगे, बट बिग बॉस एक ऐसा शो है जहाँ पे पर्सनैलिटीज बाहर आती है. आप क्यों अपनी पर्सनैलिटी को बाहर नहीं लाना चाहोगे इन द सेंस इन द बिग बॉस हाउस? या सो एज ए कंटेस्टेंट मैंने बताया कि लाइक यू नो 24/7 कैमराज आप पे है, सो इट्स समथिंग शायद से मैं अभी फिलहाल रेडी नहीं हूँ उस चीज़ के लिए. मैं तो दिखाना चाहता हूँ लोगों को, मैं अभी वैसे भी कुछ चीज़ लेके आ रहा हूँ बहुत जल्दी. एक हिसाब से ये बंटाई रिकॉर्ड्स का बिग बॉस बोल सकते तुम, लाइक बिग बॉस ने कहीं ना कहीं ये हम लोग रियलिटी शो जैसा एक चीज़ बना रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग सब लोग, मैं और मेरे आर्टिस्ट, मेरे रिकॉर्ड लेबल के आर्टिस्ट, कैमराज रखेंगे, हम लोग शूट करेंगे कि हम लोग डे टू डे म्यूजिक कैसे बनाते हैं, साथ में कैसे रहते हैं, टास्क भी होगा उसमें और उसमें मेरा भी थोड़ा बहुत दिखने मिलेगा कि एमिवे बंटाई रियल में कैसा है, क्या है, बिहाइंड द सीन्स काइंड ऑफ स्टफ. तो कहीं ना कहीं हम ही लोगों का एक छोटा सा बिग बॉस होने वाला है. बट या इन फ्यूचर प्रमोशन के लिए मैं हर जगह जाना पसंद करूंगा, बट 24/7 कैमरे के बीच में रहना थोड़ा सा मेरे को अभी. आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो अभी फ्रॉम बिग बॉस? फुकरा इंसान को मैंने सपोर्ट दिया है, सो आई होप ही विंस या फिर घर पे कोई भी जीते, अच्छी बात है. बट फुकरा इंसान मेरी तरफ से मैंने. Do you have any plans to act ever in the future? In movie? Yeah, why not? Yeah, इंशाल्लाह, क्यों नहीं. मैं वैसे तो एक्टिंग मेरे को पता नहीं मैं कितना अच्छा हूँ, क्या हूँ, नहीं, बट लेकिन हाँ इंशाल्लाह अगर फ्यूचर में बॉलीवुड मूवी में अगर एक्टिंग करने का जोन कभी होगा तो मैं करूंगा बिल्कुल इंशाल्लाह. कौन से एक्टर डायरेक्टर के साथ करना चाहोगे? शाहरुख भाई, सलमान भाई फॉर श्योर. फॉर मी शाहरुख खान एंड सलमान खान, दे आर द वन लाइक यू नो हु आई लुक आफ्टर. क्विकली एक छोटा सा सेगमेंट करिए, अगर आप उनसे एक चीज लेना चाहोगे तो कौन सी चीज होगी? शाहरुख खान, क्योंकि आपने. शाहरुख भाई से मैं लेना चाहूंगा उनका मन्नत. सलमान, सलमान भाई से पटेली वजब. या आमिर खान, दैट यूनिकनेस. संजय दत्त, संजय भाई से उनका स्वैग, यू नो दैट स्वैग, संजू बाबा का स्वैग. तो वरुण धवन, स्मार्टनेस, लाइक यू नो स्मार्ट जिस हिसाब से. एंड लास्टली रणवीर सिंह, रणवीर भाई से एनर्जी. Absolutely. Thank you so much for talking to you and we wish you all the very best for all the future songs. Thank you so much. Thank you. Much love. क्या बोल दी पब्लिक, एमए बंटा है मालूम है ना. अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो इंस्टेंट बॉलीवुड को लाइक मारो, शेयर मारो, सब्सक्राइब मारो, मचाओ.